बदलते मौसम के समय प्रायः कम उम्र के और शारीरिक रूप से कमजोर पशुओं को ठंड लग जाती है। इसके प्रभाव से पशुओं में नाक एवं आंखों से पानी आना, भूख की कमी हो जाना, शरीर के रोएं खड़े रहना, पशु का कांपना जैसे कई लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए जरूरत है कि ठंड के आगमन से ही ध्यान देनी चाहिए ताकि पशुओं को ठंड से आगे चलकर बचाया जा सके। इसके लिए पशुपालक भाइयों को कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है जरूरी बातें, आइए जानते हैं। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए शाम होते ही पशुओं को घर के अंदर बांध दें। ऐसा प्रबंधन रखें कि पशुओं को सीधे हवा न लगे। इसके लिए जूट का बोरा या मोटे प्लास्टिक से सभी खिड़कियों और दरवाजे को पर्दे की तरह लटका सकते हैं। पशुओं को बांधने के स्थान पर पुआल या सूखी पत्तियों का बिछावन डाल दें और इसे समय समय पर बदलते रहें। सर्दी से बचाने के लिए पशुओं के शरीर को मोटे कपड़े या जूट के बोरे से झोला या कंबल डालकर ढक देना चाहिए। यदि ठंड ज्यादा हो तो पशु के आसपास सावधानी के साथ आग भी जलाना चाहिए। इसमें सावधानी ये बरतें कि खिड़कियां या रोशनदान खोल कर रखें, अन्यथा यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। पशुओं को खनिज लवण के साथ नमक और अनाज कुल आहार के शुष्क भार का 10-15% तक या 1 kg अनाज जाड़े में अतिरिक्त ऊर्जा के लिए देना चाहिए। साथ ही साथ पशुओं को 10% अधिक चारा भी खिलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक 2 डिग्री फॉरेनहाइट तापमान कम होने पर 1% चारा बढ़ा देना चाहिए।